Hi everyone, welcome to a brand new season and a brand new episode of Reading to You. Hi everyone, welcome to a brand new episode of Reading to You. आज मैं आपके लिए एक ऐसे शख्स की किताब लेकर आया हूँ जिनको आपने बेहद सुना है ऑलरेडी. अगर आप सोच रहे हैं मैं किसका नाम ले रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ हिंदी फिल्म जगत के ऐसे चमकते नाम का जिनके गीतों के बिना हमारी शादियाँ, हमारी महफिलें, हमारी पार्टियाँ अधूरी हैं. मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर इरशाद कामिल की. डॉक्टर कामिल ना केवल एक अमेजिंग गीतकार हैं, पर उतने ही मजे हुए पोएट भी हैं. और मैं तो बहुत छोटी शख्सियत हूँ इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में बात कहने के लिए, पर जब उनकी एक किताब मेरे हाथ लगी तो मुझे ये समझ आया कि उनके गीतों में महकती खुशबू है नज्म की, कविताओं की. वो इसलिए है क्योंकि कविताओं और नज्म में ही वो सोचते हैं और कविताओं और नज्मों को ही गीतों में बांधते हैं, ऐसा मेरा मानना है. इनकी किताब एक महीना नज्मों का इतनी सुंदर तरीके से पिरोया हुआ एक तोहफा है हर काव्य, हर संगीत प्रेमी के लिए, कि कई बार किताब पढ़ते हुए आपको लगेगा मैं गीत पढ़ रहा हूँ या मैं कविता पढ़ रहा हूँ. और क्योंकि इरशाद कामिल जी की हुनर से हम वाकिफ हैं, कितने ही गीतों को उनके गुनगुनाते हैं, चाहे वो लव आजकल के हों या वो जब वी मेट के हों या वो हाल फिलहाल के हों, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी पहचान, उनकी रूहानियत इस किताब में उतर के आ गई है. आज मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ उनकी किताब की एक ऐसी ही नज्म जिसका नाम है दुआ करो. इरशाद जी लिखते हैं, किस दर्द के बेल और बूटे हैं जो दिल की रगों से फूटे हैं, कोई झूठ ही आकर कह देता ये दर्द मेरे सब झूठे हैं. चैन परिंदा घर आए दुआ करो, दर्द परिंदा उड़ जाए दुआ करो. मेरी तड़प मिटे, मेरे रोग कटे, इस जिस्म से लिपटा इश्क हटे, तुम साफ हवा सी मिला करो. आंखों के आंसू सब देखें, कोई दिल की दरारें देखे ना. आंखों के आंसू सब देखें, कोई दिल की दरारें देखे ना. मेरी खामोशी के लब सी दो, ये बोल ना ये चीखे ना. मेरी सोच के पंख कतर डालो, मेरे होने पे इल्जाम धरो. मेरे गीत सभी के काम आए, कोई मेरा भी ये काम करो. कोई हवस रहे ना बहस रहे, कोई टीस रहे ना कसक रहे, तुम मुझको खुद से रिहा करो. मैं एक खबर अखबार की हूँ, मुझे बिना पढ़े ही रहने दो. कागज के टुकड़े कर डालो और गुमानी में बहने दो, तुम मुझको खुद पे फना करो. अशकों की खेती सूखे अब, जख्मों से रिश्ता टूटे अब. दिल तरसे ना, दिल रोए ना, कोई इश्क में भूखा सोए ना. कोई बांधे ना रीत रिवाजों में, दम घुटे ना तलख समाजों में. मैं सारे जहां की फिक्र करूं, मैं अपना भी मैं जिक्र करूं. मैं तपती रेत मरुथल की, इस सर्द शाम तुम अता करो. चैन परिंदा घर आए दुआ करो, चैन परिंदा घर आए दुआ करो, दर्द परिंदा उड़ जाए दुआ करो. है ना खूबसूरत. और कई बार इसे पढ़ते हुए अक्सर मुझे ऐसा लगता है ये तो गीत हो सकता था, बड़ी खूबसूरत तरीके से फिल्माया हुआ किन्हीं पहाड़ियों पर हीरो हीरोइन के बीच एक अच्छी सी फिल्म की स्क्रिप्ट में. और उम्मीद करता हूँ कि इस किताब से कई ऐसे जो हिस्से हैं नज़मों के जो फिल्मों में एक्चुअली आए हैं, जो इरशाद जी ने यूज़ भी किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि दुआ करो भी वहाँ तक पहुँचे और आप सब ये किताब ऑर्डर करें और पढ़ें और कई सारे ऐसे गीतों से दोबारा रूबरू हो एक नज्म के रूप में जो इरशाद जी ने इस किताब में पिरोए हैं. सो आई होप यू एंजॉय रीडिंग दिस एंड कमेंट्स में बताइएगा इरशाद कामिल जी की कौन सी ऐसी नॉन फिल्म राइटिंग है जिसने आपको बहुत प्रेरित किया. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.